हमें अपने मन शरीर को संकुचित करना है। संकुचित कैसे होगा? जब हमारा सांस हमारे साथ जुड़ने लगेगा, वो जो चक्र सांसों का जब जुड़ जाएगा वो खंडित नहीं होगा और मन से हम दूर चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम खंडित से अखंड की तरफ जाएंगे। तो ये बात आज बतानी थी ताकि हमारा जो अखंड ध्यान है वो कंटिन्यू रहे, और हम जब सुबह 4:15 बजे मिलेंगे तो हमें इस बात को याद रखना है कि जब हमारा श्वास आएगा जाएगा और उसके साथ हमें उस अखंडता को निभाना है। आज अंजू गीत सुनाने वाली है और उसके माध्यम से हम ध्यान में जाएंगे। तो हम सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे, चश्मा उतार के एक तरफ कर लेंगे, रख देंगे और बिल्कुल सहज स्थिति में बैठ जाएंगे। और अभी जो बताया है उसका अभी भी हम अभ्यास कर सकते हैं ताकि हम अपने सांस का आने का और जाने का जो चक्र है उसको सही तरीके से जान सकें। तो बिल्कुल सहज स्थिति में बैठ जाइए और भजन के माध्यम से आज हम ध्यान में उतरेंगे, हाथ में हाथ ताकि हमारी ऊर्जा कहीं बाहर की तरफ ना बिखरे। पैरों को क्रॉस कर लीजिए और पूरा एक आनंद की स्थिति में, जैसे हम एक बच्चा आराम से मस्ती से बैठ जाता है, नो सीरियसनेस, कोई ज्यादा ऐसी सीरियसनेस नहीं दिखानी है, और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, कुर्सी पर सहारे लग के बैठ जाइए, कोई तनाव ना हो शरीर पे ताकि कण कण में वो ऊर्जा प्रवेश कर सके। हाँ जी अंजू प्लीज आप शुरू करिए। आसरा खो सतगुरु की, आसरा खो सतगुरु की, जग की सब आस तजो, जग की है आस झूठी, जग की सब आस तजो, जग की है आस झूठी। आसरा खो सतगुरु की, आसरा खो सतगुरु की, जग की सब आस तजो, जग की है आस झूठी, जग की सब आस तजो, जग की है आस झूठी। सतगुरु की प्रीत सच्ची, सतगुरु की प्रीत सच्ची, जग सारा स्वार्थ का, जग की है प्रीत कच्ची, जग सारा स्वार्थ का, जग की है प्रीत कच्ची। आसरा खो सतगुरु की, आसरा खो सतगुरु की, जग की सब आस तजो, जग की है आस झूठी, जग की सब आस तजो, जग की है आस झूठी। सतगुरु उपकारी है, सतगुरु उपकारी है, नित सदा हित में सबके हितकारी है, नित सदा हित में सबके हितकारी है। आसरा खो सतगुरु की, आसरा खो
सतगुरु की जग की सब आस तजो जग की है आस झूठी जो भी चरण शरण आए जो भी चरण शरण आए भक्ति का धन पाकर माला माल जाए भक्ति का धन पाकर वो माला माल जाए आस राखो सतगुरु की आस राखो सतगुरु की जग की सब आस तजो जग की है आस झूठी प्यारे ले ले गुरु की शरण प्यारे ले ले गुरु की शरण भक्ति के नियम निभा कर ले तू सफल जीवन भक्ति के नियम निभा कर ले तू सफल जीवन भक्ति के नियम निभा कर ले तू सफल जीवन आस राखो सतगुरु की आस राखो सतगुरु की जग की सब आस तजो जग की है आस झूठी जग की है आस झूठी अपने सांसों के साथ ही रहेंगे अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो मैं दर तेरे ते आई होइया मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो मैं दर तेरे ते आई होइया मेरे कर्मा वल ना देखियो जी मैं कर्मा तो शर्माई होइया मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो मैं दर तेरे ते आई होइया मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो मैं दर तेरे ते आई होइया जो दर तेरे ते आ जांदे ओ असल खजाने पा जांदे मैनू भी खाली मोड़ी ना मैं भी दर ते आस लगाई होई आ मैनू भी खाली मोड़ी ना मैं भी दर ते आस लगाई होई आ मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो मैं भी दर तेरे ते आई होई आ मैं भी दर तेरे ते आई होई आ तुसी तारण हार कहां दे ओ डुबिया नू बने लौंदे ओ मेरा भी बेड़ा पार करो मैं भी दुख हारण आई होइया मेरा भी बेड़ा पार करो मैं भी दुख हारण आई होइया मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो मैं भी दर तेरे ते आई होइया मैं भी दर तेरे ते आई होइया सब संगी साथी छोड़ गए
सब रिश्ते नाते तोड़ गए, तू भी ही किधरे ठुकरावी ना, ये सोच के मैं घबराई होइया, तू भी ना किधरे ठुकरावी ना, ये सोच के मैं घबराई होइया, मेरे साथ गुरु जी तुसी मेर करो, मैं भी दर तेरे ते आई होइया, मैं भी दर तेरे ते आई होइया, तू मेरा रखा सबनी थाई, मेरी अमाल का सबनी थाई, मैं बचड़ान जानी माना, मैं बचड़ान जानी माना, मैनू भुलना जाई, तू मेरा रखा सबनी थाई, मेरी अमाल का सबनी थाई, मैं हाँ पुलन हार मालिका, तू है बख्शन हारा, और की तेनी चोली अडनी छड़ के तेरा द्वारा मालिका, और की तेनी चोली अडनी छड़ के तेरा द्वारा, माफ करी मेरे ओगने दातिया, माफ करी मेरे ओगने दातिया, दर तो ना ठुकराई, तू मेरा राखा सबनी थाई, मेरे अमाल का सबनी थाई, तू चाहे ता पत्थर नूं वी सागर दे विच तार देवे, जिस बेड़ी दा तू है माजी डुब जावे मजतार देवे, किरपा कर दे साई, तू मेरा राखा सबनी थाई, मेरे अमाल का सबनी थाई, इस दास दे सर तो साई हथ कदे ना हटाई, तू मेरा रखा सबनी थाई, मेरे अमाल का सबनी थाई। अपनी ही सांसों के साथ जुड़े रहेंगे 5 मिनट के लिए और, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं और विशेष दिन है हमारे पितृ लोक के लिए, और हम इन 5 मिनट में अपने ही उन पितरों को आमंत्रित करेंगे। हर जन्म में हम जिन जिन अपने सगे संबंधियों के साथ रहे हैं उन सब को प्यार से आमंत्रित करिए। हमारे पास यही मौका है कि जब हम अपने पितृ गणों को आमंत्रित करें और एक प्रेम पूर्वक उनको आदर से यहाँ पर नमन करें, अपने मनुष्य लोक के पितृ, पशु लोक के पितृ, पौधा जन्म के, पौधा लोक के पितृ और पत्थर जगत के पितृ, सभी पुत्रों को यहाँ पर आमंत्रित करिए। 2 मिनट का समय हमें लेना है ताकि हम सबको आराम से आमंत्रित कर सकें, ताकि हम खंडता से अखंडता की ओर अपने
कारण शरीर से महाकारण शरीर की तरफ और महाकारण से विषमय शरीर की तरफ अपनी यात्रा को बढ़ा सके। अभी सभी अपने पितृलोक पूर्वजों को किसी भी तरह का कोई हमारी तरफ से कोई भी गलती रही है तो हमें अपने आप से ही माफी मांगनी है, क्योंकि गलती हमने की है और माफी भी हमें खुद अपने आप से मांगनी है, ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए उन बंधनों से मुक्त हो जाएं। हम उन गलतियों से छुटकारा पा सकें और उनको आदर सम्मान दे सकें। किसी पौधे को जो हमारे आंगन में लगा है, गलती से हमने उसको तोड़ा है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तो उस पौधों के पितृलोक को भी आमंत्रित करिए और उनसे भी अपना आदर सत्कार दीजिए, और अपनी तरफ से अगर कोई गलती हुई है तो अपने आप से ही माफी मांगिए कि हे पौधा पितृलोक, मुझे माफ करना, मैं अपने आप से माफी मांगती हूँ कि जब मैंने कभी गलतियां की होंगी, और मैं आज आपको नमन करती हूँ। करुणा का भाव मेरे अंदर पनप रहा है और जो ऊपर के पितृलोक अभी जो हमें देख रहे हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि हम उनको याद करके उनका नमन कर रहे हैं, आदर सत्कार कर रहे हैं। इसी तरीके से जो पशु लोक है, पक्षी लोक है, जो हमारे आंगन में आते हैं, जिनके साथ हमारा रोज का संबंध स्थापित होता है, उनको भी हमें नमन करना है। पूरे कुछ सेकंड लेकर हम सभी पशु पक्षियों को नमन करें। प्यार का भाव, करुणा का भाव, कहीं पर हमारे से कोई गलती हुई है, अपने आप से माफी का भाव। अनेक जन्मों की यात्रा करते करते हम तमस से जब रजस की तरफ चलते हैं और रजस से जब सत्व की तरफ चलते हैं और सत्व से शुद्ध सात्विक की तरफ चलते हैं और शुद्ध सात्विक से निर्गुण की तरफ चलते हैं, तो गलतियां हम कर बैठते हैं। तो आज हमें अपने आप से, किसी भी शरीर में रहते हुए अपनी ही आत्मा से अगर हमने कोई गलती की है तो उसकी माफी मांगनी है। और अभी यहाँ पर जो हमारे सगे संबंधी मित्रगण जो अभी इस जीवन में हमारे साथ संबंध स्थापित किए हुए हैं, उनके प्रति भी आदर और नमन का भाव। हमें हर तरीके से मुक्त होना है, ताकि हम जब यहां से मुक्त हों तो किसी भी तरह का वजन हमारे ऊपर ना रहे। कोई गठड़ी लेकर नहीं जानी है हमें, कोई कारण शरीर की गठड़ी हमें अपनी छाती पर या अपनी कमर पर नहीं लेकर जाना है। सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाएंगे, ताकि हम एक विमुक्त आत्मा, एक परमात्मा बन सकें।
क्योंकि इस आध्यात्मिक शिक्षा में, आध्यात्मिक सिद्धांतों में भगवान कहीं बाहर नहीं, हमें स्वयं में ही आत्मा से विमुक्त आत्मा और परमात्मा बनना है, हमें ही भगवान की स्थिति में पहुंचना है। अपने सभी पूर्वजों को नमन करते हुए और अब अपने ही आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ आखिरी 10 सेकंड पूरे प्यार से उनको भर दीजिए। कहीं कोई जगह बाकी ना रह जाए, इतनी करुणा, इतना प्रेम, इतना सम्मान उनको देना है कि वो हमेशा हमेशा हमें ऊपर से, किसी और जगह पर भी जाते हैं तो हमेशा उनका और हमारा संबंध हमेशा बना रहे, क्योंकि हम अनेक अनेक जन्मों की यात्रा करते हैं। हमारे ही परिवार के सदस्य किसी और देश में, किसी और परिवार में, किसी और जगह पर जन्म लेते हैं, दस, नौ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक, शून्य। आराम से अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। तो कैसा लगा आपको ध्यान? अच्छा ना? बहुत खुशी मिल रही है ना? बहुत अच्छा लग रहा है? कौन बताना चाहेगा कि ध्यान कैसा था? हमने अपने पितृलोक में यात्रा कर ली, देखो थोड़े से टाइम में, उन सब से आशीर्वाद भी ले लिया, उन सब के साथ जुड़ भी गए, अपने साथ जो हमने गलतियां की थी उससे हमने माफी भी मांग ली अपने आप से। मुझे एक बात याद आ गई है, अपने ही ध्यान के अनुभव की बात। 2011 की ही बात है, जब पत्री सर से मिले और उसके बाद मैं जब वहां से वापस आई थी तो अपने घर में ही जो पिरामिड बना हुआ था उसमें हम लोग लगभग 5-6 लोग थे जो ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान में एक पीपल का पेड़ आता है ध्यान में करते हुए, और पीपल का पेड़ आके कहता है कि मैं तो तेरे को माफ नहीं करूंगा। पीपल था या बड़ था, वो कहते हैं कि मैं तेरे को माफ नहीं करूंगा। तो मैंने कहा कि मैं तो बिल्कुल अपने आप से माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कभी अगर किसी जन्म में गलती की होगी तो मैं आज माफी मांगती हूँ अपने आप से कि मैंने गलती की है, कि मैंने पेड़ काटा है। और बाद में मुझे पता लगा कि मैं आयुष में क्यों आई और मेरा इस जन्म का जो मेरा उद्देश्य था वो क्या था, मुझे वहीं से वो बात क्लियर हुई थी। तो वो कहने लगा कि नहीं, मैं तो तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और ये बात जब हुई तो मैं रोने लगी और ध्यान खत्म हो गया। ध्यान खत्म होने के बाद मेरे साथ राम राजू सर भी बैठे थे, एक हैदराबाद से पूरी टीम आई हुई थी, वो लोग भी बैठे थे। और उनको बताया जब ध्यान में, ध्यान से जब खत्म हुआ तो मैंने जब उनको अपना अनुभव बताया तो उन्होंने कहा कि चलो हम कल फिर सुबह 4 बजे ध्यान करेंगे। तो हमने अगले दिन फिर से ध्यान किया तो फिर से वो पेड़ आके कहता है कि मैं माफ नहीं करूंगा।
तो फिर से वो परेशानी हो गई कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्या कर दी कि जिसकी वजह से वो पीपल का जो पेड़ है वो मुझे माफ नहीं कर रहा है। अभी मैं ये पितृलोक की बात बता रही हूँ कि कितना जरूरी है कि हम अपने आप से माफी मांगे अगर हम कहीं तुलसी के पत्ते को भी गलत तोड़ते हैं या किसी पौधे को गलत तरीके से छेड़ते हैं, तो माफी होनी चाहिए, अपने आप से माफी। तो सर ने कहा, जो हमारी टीम आई हुई थी उन्होंने कहा कि अगले दिन हम फिर से ध्यान करेंगे और सभी पेड़ों का जो पितृलोक है उनके लिए ध्यान करेंगे। तो अगले दिन फिर से ध्यान किया पिरामिड में बैठ के। तो अगले दिन जब ध्यान किया तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है बाबा, मेरे को तो माफ ही करना पड़ेगा। और 3 दिन तक लगातार हमने 2-2 घंटे ध्यान किया मॉर्निंग में। उसके बाद जो है वो जो वृक्ष बार बार हमारे सामने आ रहा था और वो उसके बाद वो चला गया। उसके बाद फिर मैंने एक यात्रा की जहाँ त्रिवेणी का संगम है, अब तो मुझे वो बात पूरी तरीके से याद नहीं है। तो वहाँ पर जहाँ पर वो त्रिवेणी मिलती है, गंगा यमुना सरस्वती मिलती है, वहाँ पर वो पेड़ वैसा ही जो पीपल का बहुत बड़ा पेड़ देखने को मिला। और वहाँ पर जब हम ध्यान कर रहे थे तब मुझे ये पता लगा कि कहीं मेरा जन्म उस पीरियड में जब रहा होगा तो वहाँ पर मैंने ये पेड़ इस तरीके से काटा था, और काटने के बाद मुझे वहाँ से मुक्ति नहीं मिल पाई थी। तो जब ये बात मैंने देखी कि इस तरीके से देखो, हम कभी तमस में जन्म लेते हैं, कभी रजस में लेते हैं, कभी सत्वगुण में जब जन्म लेते हैं, तो उस तरीके से हम पूरे तरीके से ज्ञानी नहीं होते, योगी नहीं बनते, तो तब हम गलतियां कर बैठते हैं। तो ये हमारे पास जो 15 दिन हैं, हमारे जो श्राद्ध के हैं, उसमें हमें पूर्ण तरीके से आंख बंद करके ध्यान में अपने उन पितृलोकों को बुलाना है और उन उनसे माफी नहीं मांगनी है। माफी तो हमें अपने आप से मांगनी है क्योंकि गलती तो हमने करी है। वो तो खुश होंगे अगर हम अपने आप को ये कहें कि हाँ मेरे से गलती हुई और अब मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगा, तब पितृलोक खुश होते हैं। तो इसीलिए हम रोज ध्यान में बैठें, 5 मिनट 10 मिनट जितनी आपकी इच्छा है उतना आप बैठें और ध्यान करें, और ध्यान से अपने ही पितृलोक को भी खुश रखें। भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, अनेकों अनेकों जो लोक हैं उसमें हमारे सभी पितृ अपनी वो भी यात्रा कर रहे हैं। तो उन यात्राओं को करते करते वो इंतजार करते हैं हमारा कि क्या वो हमें इन विशेष दिनों में याद करते हैं। तो सभी पितरों को याद करिए, अपने पौधे जगत का, पशु जगत का, पक्षी जगत का, पत्थर जगत का। कभी कभी हमने देखा है कि हम पत्थरों को बहुत बुरे तरीके से बिहेव करते हैं कई बार। अभी देखो ये जो ब्रिज बन रहे हैं उसमें कितने सारे पहाड़ खराब हो गए हैं, कितने सारे पत्थरों को हम बहुत बुरे तरीके से व्यवहार करते हैं। तो ये सब हमारा जो ग्रुप, जो समूह होती हैं, उस समूह में हमें माफी मांगना चाहिए। तो ये विषय बहुत बड़ा है, तो अभी हम समाप्ति की ओर चलते हैं और कल सुबह 4:15 बजे अखंड ध्यान के लिए आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। और मुस्कुराते रहिए, सीरियस नहीं होना है। आपके चेहरे का जो पूरी मसल्स होती हैं, पूरी फेशियल मसल्स हैं, उनको बिल्कुल यंग रखना है, युवा रखना है। तो ये सीरियसनेस हो गई बहुत, मुस्कुराना है, मजे करने हैं। ओके, तो मुस्कुराते हुए हम आपसे विदा लेते हैं।